तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका नया ब्लॉग वीडियो में, जो कि आपको पता ही होगा हम लोग भुवनेश्वर में आए हैं घूमने के लिए। तो गाइस, ये खंडोगिरी हिल है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। उदयगिरी तो हम लोगों ने देख लिया है, तो गाइस अभी चलते हैं खंडोगिरी हिल और आपको भी दिखाते हैं कैसे क्या नज़ारा है इसका। तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और मस्त एंजॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में खंडोगिरी हिल लगा हुआ है, वहाँ पे एक टेम्पलेट जहाँ से पता चलता है कि खंडोगिरी हिल इस तरफ है। और यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा गाइस, एक ही बार टिकट करना पड़ता है जो उदयगिरी और खंडोगिरी दोनों के लिए बना हुआ है। तो गाइस अभी सीधा चढ़ते हैं सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के खंडोगिरी हिल के तरफ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुछ बंदर भी हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया जगह है गाइस, पुराना जगह है जो कि बहुत पहले बनाया गया था और अभी भी ठीक ठाक है गाइस। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, पिछले वक्त के जो कारीगरी थे उन लोग कितने अच्छे थे गाइस। तो देखते हैं ऊपर जाके कैसा क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत पुराना ये हिल है और यहाँ पे अलग अलग के गुफाएं हैं जो कि अलग अलग नाम से बनाए गए हैं। तो गाइस देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस हमारे कलिंग डायनेस्टी के जो राजा थे खोरोबड़ा, उन्होंने ही ये बनवाया था कुछ मॉन्क और जैन लोगों के लिए। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही पुराना हिल केव है और अभी भी फिलहाल ठीक ठाक है गाइस, इतने सालों बाद अभी भी ठीक है। तो कितना मस्त कारीगरी थे गाइस जो ये हिल केव को बनवाए थे, और काफ़ी बढ़िया से इसको साइज में काट के बनाया गया है जो कि अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पूरा पत्थर को ही काट के बनाया गया है गाइस। तो देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर, पूरा घर जैसा बनाया गया है। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको कुछ मूर्तियाँ, यहाँ पे लिखा भी गया है, इसको बोलते हैं ध्यानो गुम्फा, जो कि केव 6 नंबर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी दीवार पे बनाया गया है जो कि काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। तो गाइस नज़दीक से भी आपको दिखाते हैं और ऊपर भी जाके दिखाएंगे आपको कैसा क्या बनाया गया है। ऊपर एक मंदिर है, नीचे भी एक मंदिर है, ऊपर एक जैन मंदिर है गाइस, वहाँ पे भी जाएंगे। और यहाँ पे मूर्तियों की आकृति देखिए गाइस, काफ़ी बढ़िया है। तो ऊपर की ओर भी जाएंगे और वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कैसा क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो गाइस अभी चलते हैं ऊपर की ओर और वहाँ पे भी दिखाते हैं।
तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं वो सामने उदयगिरी हिल का केव है और उसके साइड में ही रानी गुम्फा है। तो गाइस देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है और ऊपर से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऊपर आ गए हैं हम और ऊपर से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो चलिए जाते हैं मंदिर की ओर और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। और ये घर सब भी देख सकते हो गाइस, छोटा छोटा कमरा टाइप का बना दिए हैं और काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं हर वक्त यहाँ पे कहीं से कहीं इंसान आते रहते हैं गाइस ये जगह को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत पुराना जगह है और अभी भी सही सलामत है गाइस। तो देख सकते हो पूरा घर ही पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पे जो भी मूर्ति सब बनाया गया है सब पत्थर से ही बनाया गया है, जो पत्थर को काट के ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा गया है, ये अनंत गुफा है और केव का नंबर भी दिया गया है गाइस। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है गाइस, और भी दिखाते हैं आगे। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस ये देख सकते हो जैन मंदिर है और यहाँ पे अंदर जाने के लिए 2 रुपया लगता है और यहाँ पे ये नया बनाया गया है मंदिर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाहर में चप्पल शूज सब रखते हैं और 2 रुपया देके अंदर जाके आते हैं गाइस दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो हम लोग भी अंदर जाएंगे गाइस और दिखाएंगे मंदिर के सामने से कैसा क्या नज़ारा है। तो गाइस चलते हैं, चलिए और व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। गाइस मंदिर फोन नहीं लिया बिना के बाद हम लोग को पैसा देना पड़ता। तो गाइस देख सकते हो यहाँ ऊपर से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, पूरा शहर का नज़ारा आपको दिख जाएगा यहाँ से और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और असली में ये वाला रास्ता जो नीचे है वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, पर मैं साइड से घूम के आ गया गाइस। और ये देख सकते हो ऊपर से नीचे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है और ये नीचे में एक मंदिर है और ऊपर में एक मंदिर जैन मंदिर बनाया गया है। तो गाइस फाइनली ये खंडोगिरी हिल आपको दिखा चुके हैं और अभी दूसरे लोकेशन में जाएंगे। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा वो आप लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लोकेशन में। अभी जाएंगे दूसरी तरफ। तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।